हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम क्लास 6 और 7 मैथ की वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी नई वर्कबुक के अनुसार आपके बेसलाइन असेसमेंट, OCR असेसमेंट, वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 को सॉल्व करा दिया है। उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वर्कशीट 3 में हम सीखेंगे टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, यानी किसी भी नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। प्लेस वैल्यू का मतलब है कि वो कौन सी पोजीशन पर आई हुई है। क्या वो वंस की पोजीशन पर है, क्या वो टेंस की पोजीशन पर है, क्या वो हंड्रेड की पोजीशन पर है या वो थाउजेंड की पोजीशन पर है। ठीक है, जिस पोजीशन पर वो डिजिट होगी वही उसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इच डिजिट इन द गिवन नंबर्स, एंड इस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट्स दी हुई है उन सभी डिजिट्स की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, देखें 3 कौन सी पोजीशन पर है, वंस की पोजीशन पर। 1 कौन सी पोजीशन पर है, 10 की पोजीशन पर। 5 कौन सी पोजीशन पर है, 100 की पोजीशन पर। और 6 कौन सी पोजीशन पर है, 1000 की पोजीशन पर। तो देखें यहाँ पर 1000 से शुरू करें तो 6 कौन सी पोजीशन पर है, 1000 की पोजीशन पर। तो 6 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा, 6000। 5 कौन सी पोजीशन पर है, 5 आपका हंड्रेड्स की पोजीशन पर है। तो 5 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 500। नेक्स्ट 1 कौन सी पोजीशन पर है, 10 की पोजीशन पर। तो 1 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 10। 3 कौन सी पोजीशन पर है, 3 है वंस की पोजीशन पर। तो 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक उसी तरह देखें सेकंड नंबर, इन नंबर 2836, देखो 0 वंस की पोजीशन पर 6 है, 10 की पोजीशन पर 3 है, 100 की पोजीशन पर 8 है और 1000 की पोजीशन पर 2 है। यहाँ पर देखो डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस, 100 के प्लेस पर कौन है, 8। 8 है तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 8 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा, 800। 1000 के प्लेस पर कौन है, 2 है, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा, 2000। फिर 3 कौन से प्लेस पर है, 10 के प्लेस पर, तो 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 30। और 6 कौन सी पोजीशन पर है, वंस की पोजीशन पर, तो 6 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इन द नंबर ऑफ 3085, इसमें हमें सभी की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम 3 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई 100,000 कितना हो जाएगा, 3000। कैसे पता चला कि जो 5 है वो 1 की पोजीशन पर है, 8 है वो 10 की, 0 100 की और 1000 की पोजीशन पर 3 है। तो 3000 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1000। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट जीरो, 0 कौन सी पोजीशन पर है, 100 की, तो 0 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी आपका 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर 8, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट, 8 कौन सी पोजीशन पर है, 10 की पोजीशन पर, तो 8 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 80। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट फाइव, 5 कौन सी पोजीशन पर है, वंस की, तो 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द नंबर ऑफ 1675, देखो वंस की पोजीशन पर 5 है, 10 की पोजीशन पर 7 है, 100 की पोजीशन पर 6 है और 1000 की पोजीशन पर 1 है। तो यहां पर लिखेंगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट वन 1 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा, 1000। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ
डिजिट सिक्स, तो सिक्स कौन सी पोजीशन पर, हंड्रेड की, तो सिक्स मल्टीप्लाई हंड्रेड, 600। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट सेवन, सेवन मल्टीप्लाई टेन, 70। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट फाइव, फाइव कौन सी पोजीशन पर है, वन की, तो फाइव मल्टीप्लाई वन यानी कि फाइव। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट थ्री इन द नंबर, ठीक है, 6352। तो यहां पर देखो वंस की पोजीशन पर टू है, टेन की पोजीशन पर फाइव है, हंड्रेड की पोजीशन पर थ्री है और थाउजेंड की पोजीशन पर सिक्स है। हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, थ्री की, तो थ्री मल्टीप्लाई कौन सी पोजीशन पर है, हंड्रेड की, तो थ्री मल्टीप्लाई हंड्रेड कितना हो जाएगा, 300। थर्ड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट सेवन इज 70। 70 का मतलब कितना है, सेवन मल्टीप्लाई टेन, यानी कि जो सेवन होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, टेन नंबर पर, टेन के प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी, सेवन होगी। तो देखो टेन के प्लेस पर सेवन किसमें है, तो टेन के प्लेस पर सेवन है ऑप्शन नंबर सी में। फोर्थ नंबर है, इन द नंबर 5033 द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट थ्री एट द टेंस एंड वन वंस प्लेस ईच। तो देखें जो टेन की पोजीशन पर थ्री है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, थर्टी, माइनस जो वंस की पोजीशन पर उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, थ्री, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा डिफरेंस, आ जाएगा आपका 27। तो इस तरह डियर बच्चों आज की क्लास में हमने आपकी वर्कशीट नंबर थ्री के सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है, जिसमें हमने किसी भी नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जाना है। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।